तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ ये जूस, और अभी मैं इस जूस को पूरा गिलास में निकाल लूँगा। उसके बाद इस बॉक्स को मैं ओपन करूँगा और ओपन करके आपको दिखाऊँगा। उसके बाद मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलकर आपको इस जूस बॉक्स की डायकट बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजहर और आप देख रहे हैं एजी टेक्निक। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले इसका जूस हम एक गिलास में निकाल लेते हैं। तो मेरे पास ये इसका स्ट्रॉ है, इससे मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद सारे जूस को इस गिलास में निकाल लेता हूँ, ये इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारा जूस इस गिलास में निकाल लिया है। अब उसके बाद इसको मैं ओपन करूँगा। ओपन करके इसको थोड़ा सा पानी से धो लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसकी डाइकट कैसे बनती है। आप देख सकते हैं नीचे से ये इस तरह से बंद होता है, और ये इसका साइड वाला भाग है, ये यहाँ पर पेस्ट हुआ है और ये यहाँ पर पेस्ट किया गया है। इसी तरह से नीचे भी ये देखिए, ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पर दोनों तरफ से पेस्ट किया गया है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो साइज है ये है 6, और इसकी जो हाइट है वो है 10, और इसकी जो डेप्थ है वो है 3.5। और यहाँ पर 3.5 है, तो यहाँ पर आपको इसका आधा यहाँ पर लगाया जाता है, और उसके आधा लगाने के बाद यहाँ पर आपको 1 सेंटी और लगाना है इस बॉक्स को पेस्ट करने के लिए, और सेम उसी तरह से नीचे भी करना है। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आपको इस बॉक्स की डायकट बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये मेरा एडोब इलस्ट्रेटर ओपन है। सबसे पहले मैं अपने इस आर्टबोर्ड को रोटेट कर लेता हूँ। मैंने प्रेस किया शिफ्ट ओ, और यहाँ से इसको ये रोटेट कर लिया। उसके बाद अभी हमें साइज लेनी है, जो साइज मैंने आपको बताया था 10x6x3.5। तो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ जिसका शॉर्टकट है M, और उसको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और इसकी जो विड्थ है वो है 6, हाइट है 10। ये मैंने इस तरह से बना लिया है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ कलर, और इस कलर को मैं दे देता हूँ यहाँ से रेड। उसके बाद अभी हमें साइड वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए साइड वाले पार्ट को हम यहाँ से इसी को कॉपी करेंगे ऐसे, और यहाँ से साइड, तो ये पार्ट है हमारा 3.5, तो यहाँ से हम इसको 3.5 कर लेते हैं। और अभी हमें क्या करना है, अभी एक पार्ट हमें और बनाना है 3.5 का। तो ये एक पार्ट मैंने और बना लिया 3.5 का। अभी हमें सेम दूसरे साइड में भी करना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर लगा लेंगे, और यहाँ पर इस बॉक्स को पेस्ट करने के लिए हमें 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक ग्लूलाइव लगाना पड़ेगा। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ, और रेफरेंस पॉइंट रखता हूँ राइट में, और यहाँ से इसको कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर। तो ये पेस्टिंग के लिए बन गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अभी हमें ऊपर और नीचे का पार्ट बनाना है। तो ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैं यहीं से एक कॉपी करता हूँ, इसी को मैं रोटेट कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने रोटेट किया, और इसको मैंने यहाँ से पूरा मिला लिया है। उसके बाद इसे मैं यहाँ से रेफरेंस पॉइंट रखूँगा बॉटम में, और यहाँ से इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। ये देखिए, ये हमारा बन गया ऊपर का पार्ट। इसी को मैं पूरा ये यहाँ तक मिला दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद इसको भी ऊपर से पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए सेम कॉपी करना है, और 1 सेंटीमीटर यहाँ पर ग्लू लैब लगाना है इस बॉक्स को पेस्ट करने के लिए। ये हो गया, और अभी हमें सेम नीचे भी लगाना है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, और यहाँ से ये नीचे भी लगा के इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर दूंगा। ये इस तरह से मैंने फ्लिप कर दिया है, और अभी इन सारी लाइंस को हमें ऊपर और नीचे से मिला लेना है। ये इस तरह से मैंने इसको ऊपर से और नीचे से मिला लिया है, और यहाँ पर हमें एक लाइन बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में लगानी है,
तो मैंने लाइन टूल ले लिया है, ये देखिए, और यहाँ से एक लाइन सेंटर में लगा ली है। उसके बाद 45 डिग्री पर एक लाइन हमें यहाँ पर लगानी है, एक लाइन हमें यहाँ पर लगानी है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा था, यहीं से बॉक्स को पेस्ट किया जाता है। ये वाला पार्ट पेस्ट होता है और इस पार्ट को फोल्ड करके इसको भी पेस्ट कर दिया जाता है। ये वही वाला पार्ट मैं अभी बना रहा हूँ। ये देखिए, ये 45 डिग्री पर यहाँ से मिला देंगे और सेम इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ से करेंगे रिफ्लेक्ट, फ्लिप करके हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ये सारी लाइंस हमारी फोल्डिंग वाली है, तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं ग्रीन। ये देखिए, ये सारी लाइंस हमारी फोल्डिंग वाली है। सेम इसको कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे और सेम हमें कॉपी करके बॉटम में लगाना है, लेकिन बॉटम में फ्लिप करना है। यहाँ से इसको कर देंगे फ्लिप, फ्लिप करके हमें ऊपर से ऐसे मिला लेना है। तो इस तरह से ये भी हमारा बन गया है और तकरीबन हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया है। बस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें दोनों लाइंस सेपरेट करनी है, जो फोल्डिंग वाली है और जो कटिंग वाली है। तो फोल्डिंग वाली लाइंस हम यहाँ से सारी इस तरह से करते हैं कॉपी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एफ। यहाँ से एक लाइन ज़्यादा है तो हम यहाँ से इसको डिलीट करके और इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आईड्रॉपर टूल से कलर पिक कर लेंगे, क्योंकि ये लाइंस हमारी फोल्डिंग वाली है। उसी तरह से इन सारी लाइंस को भी हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे। डबल लाइन है तो एक लाइन हम यहाँ से डिलीट करेंगे। यहाँ पर सिंगल ही थी और यहाँ पर भी सिंगल ही है, यहाँ पर डबल है, तो इसको डिलीट करके सेलेक्ट करेंगे सबको। आई ड्रॉपर टूल से यहाँ से कलर पिक कर लेंगे। तो ये जो अंदर वाली हमारी सारी लाइन्स हैं, ये सारी फोल्डिंग वाली लाइन्स है और कटिंग वाली लाइन, सिर्फ ये बाहर की रेड वाली जो लाइन्स है वो कटिंग वाली लाइन, और ये सारी हमारी फोल्डिंग वाली लाइन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक होल लगाना होगा अपना स्ट्रॉ इंसर्ट करने के लिए, जिसको हम इंसर्ट करके जूस पीते हैं। तो होल हम लगा लेते हैं, मैंने एल प्रेस किया 0.5 0.5। ये देखिए, ये मैंने 5 मिली का यहाँ पर होल लगा लिया है और इसको हम सेंटर में रखेंगे बिल्कुल। ये मैंने इसको सेंटर में रख लिया है। इसको मैं दूंगा रेड कलर क्योंकि ये कटिंग वाला पार्ट है। तो अभी आपको जितनी भी लाइन रेड दिख रही है, ये सारी कटिंग वाली लाइन है। ये एक होल है और ये बाहर का जो हिस्सा है, ये सारा कटिंग वाला है। तो इस तरह से ये जूस पैकेजिंग की डाई कट या फिर डाई लाइन बन करके रेडी हो चुकी है, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फास्ट ये बन करके रेडी हो चुकी है। इसको बस कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप और यहाँ से इसको लगा देंगे कटिंग मार्क्स और इसके ऊपर यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये बॉक्स बन करके रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि जूस पैकेजिंग की डाई कट कैसे बनाते हैं। ये जो मैंने डाई कट बनाई है, ये 200 ml जूस के लिए डाई कट है। अगर आप बड़े जूस के बनाना चाहते हैं, 500 ml या फिर 1 लीटर, उसका भी तरीका सेम ही है, बस उसका साइज अलग होता है, लेकिन डाई कट आप इसी तरह से बना सकते हैं उसकी भी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, देख करके चले जाते हैं, लाइक और शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना है इसके लिए। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Tell me that you love me, even if it's fake.